everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snaps Biology. So in this video we will be discussing 100 most important questions from the chapter Plant Physiology. Okay, तो basically इस set में हम discuss करेंगे photosynthesis और हमारे जो plant growth regulators हैं, that is the plant hormones, उनके बारे में हम questions discuss करेंगे. Okay, तो ये complete नहीं हुआ है plant physiology का पूरा chapter, ये सिर्फ part 1 है और अगले जो सब parts हैं इसके वो मैं लेकर आपके साथ कल आऊँगी. ओके, तो कल हम एनिमल फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्लांट फिजियोलॉजी अगेन डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब, लाइक आवर वीडियोज, शेयर आवर वीडियोज, देन इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क अस थ्रू द कॉमेंट सेक्शन. ओके, और टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर सकते हो. तो चलते हैं, शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑप्शन ए रीजेनरेशन ऑफ RUDP, ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन सी कन्वर्जन ऑफ RUDP टू PGA, ऑप्शन डी सिंथेसिस ऑफ PGAldehyde, दैट इज फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड फ्रॉम PGA, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड फ्रॉम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2. द C4 प्लांट्स आर मोर एफिशियंट देन C3 प्लांट्स बिकॉज दे हैव टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज PEP, दैट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इन क्लोरोप्लास्ट. दे लैक फोटो रेस्पिरेशन या फिर दे हैव फोटो रेस्पिरेशन बिकॉज दे लैक द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, कभी भी ये फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है. तो क्या है वो, ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड. क्या होगा, ऑक्सीजन. ओके, क्यों ये नहीं है लिमिटिंग फैक्टर कभी भी फोटोसिंथेसिस के लिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4. इन C4 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज डिराइव्ड फ्रॉम. ऑप्शन ए एस्पार्टेट, ऑप्शन बी PGAldehyde, दैट इज फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, देन PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर ऑक्सलो एसिटेट. ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, दैट इज ऑक्सलो एसिटेट. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5. द एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय कौन. जो फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रा है वो डिस्कवर किए थे, वैन नील, ब्लैकमैन या फिर एंगलमैन या फिर नॉन ऑफ दीज. क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एंगलमैन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर इक्वल वॉल्यूम्स. ओके, ये पता है हमें, तो ये किसने प्रूव किया था, एरिस्टोटल, विल हेलमोट या फिर आर मेयर या फिर वाउसिंगल्ट. ओके, वाउसिंगल्ट, कौन, वाउसिंगल्ट. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7. पेरोक्सीजोम्स इन प्लांट्स आर द साइट्स ऑफ. पेरोक्सीजोम प्लांट्स में क्या रोल प्ले करता है, पेरोक्सीडेजिस, नहीं, ऑब्वियसली नॉट, ये क्या है, देन फैट सिंथेसिस, प्रोटीन डिग्रेडेशन या फिर फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन. ओके, सो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8. जिबरेलिन्स डू नॉट सब्स्टिट्यूट कोल्ड ट्रीटमेंट, प्रमोट फ्लारिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, इनहिबिट फ्लारिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स या फिर प्रमोट बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट. ओके, तो यहाँ पे एक टर्म आता है बोल्टिंग, तो आप लोगों का काम है कि ये बोल्टिंग क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताओ. ओके, जो सब बताओगे उनके नाम हम नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट में देंगे. ओके, नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं. इसका आंसर ये हो जाएगा कि दे डू नॉट इनहिबिट फ्लारिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स. ओके, दे इनहिबिट फ्लारिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, लॉन्ग डे प्लांट्स में वो इनहिबिट करते हैं फ्लारिंग, है कि नहीं, तो ये गलत होगा, शॉर्ट डे प्लांट्स में वो फ्लारिंग को इनहिबिट करते हैं. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 9. द फॉलोइंग हार्मोन इज कंसर्न चीफली विथ सेल डिविजन इन प्लांट्स. ओके, सेल डिविजन में इनमें से कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, 2,4-D, IAA, GA या फिर साइटोकाइनिन. तो आपका काम है मुझे बताना कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D एंड IAA. ओके, जी ए तो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिक एसिड, है कि नहीं, ये मैं बता दे रही हूँ.
ओके, आप सबको भी पता होगा, लेकिन ए और बी आप मुझे बताना, ओके क्या होगा। तो ऑप्शन 9 का आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ओके, साइटोकाइनिन इज चीफली कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग प्लांट हॉर्मोन। ओके, कौन सा नेचुरली अकरिंग प्लांट हॉर्मोन नहीं है, ओके नहीं है, IAA, GA2, 24D या फिर जिबरेलिन। क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 24D, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गार्नर एंड एलार्ड आर रिलेटेड विथ, ओके फोटोलिसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर फोटोट्रॉपिज्म या फिर फोटोपीरियडिज्म। क्या हो जाएगा, फोटोपीरियडिज्म। ओके, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोपीरियडिज्म, इसका डेफिनेशन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सीडलेस टमेटोज आर प्रोड्यूस्ड बाय, ग्रोइंग टोमेटो प्लांट्स इन मिनरल सोल्यूशन, सप्लाइंग रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स या फिर स्प्रेइंग हॉर्मोन्स ऑन फ्लावर्स या फिर प्रोपागेटिंग टोमेटो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग्स। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्प्रेइंग हॉर्मोन्स ऑन फ्लावर। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल इज प्रमोटेड बाय, IAA, GA3, शॉर्ट डेज या फिर साइटोकाइनिन। ओके, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा गौर करो। वी नो दैट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक योर टेम्परेचर, डे लेंथ, बट ऑल्सो बेस्ड ऑन इंटरनल फैक्टर्स लाइक योर फाइटो हॉर्मोन्स। ओके, तो पाइनएप्पल फ्लावरिंग दैट कैन बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाई द एक्टिविटी ऑफ इथिलीन एंड IAA। ओके, क्लियर, एंड द अदर हॉर्मोन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, ओके दैट इज द इनिशिएटिंग फ्लावरिंग इन केस ऑफ पाइनएप्पल, दैट कैन बी NAA ऑल्सो, IBA ऑल्सो, 24D ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन प्रमोट करता है। ओके, तो अगर नेचुरली हम देखें तो इट शुड बी शॉर्ट डेज, ओके ऑप्शन सी, क्लियर। और उसके साथ अगर हम आर्टिफिशियली देखें तो IAA हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे तो नहीं दिया है क्या होगा, तो आई थिंक कि आप अगर ए लिखोगे तब भी ठीक होगा, सी लिखोगे तब भी ठीक होगा, लेकिन अगर आप सी लिखते हो तो नो वन कैन कट योर मार्क। ओके, शॉर्ट डेज ये होता है, क्योंकि अगर शॉर्ट डेज देखोगे तो फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल इट इज़ फेवरेबल। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट डे प्लांट। ओके, रेडिश, मेज, सोयाबीन या फिर सुगर बीट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दैट इज मेज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द फॉलोइंग शोज इंटर कन्वर्जन ड्यू टू रेड एंड फार रेड लाइट। कौन इंटर कन्वर्जन शो करता है रेड एंड फार रेड लाइट के लिए, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, कैरोटीनॉइड्स या फिर फाइटोक्रोम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दैट इज फाइटोक्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन रेड एंड फार रेड ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट व्हिच ट्रीटमेंट विल रिस्पॉन्ड। ओके, मिडिल ट्रीटमेंट विल काउंट, देन सम टोटल ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट विल काउंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट विल काउंट या फिर लास्ट ट्रीटमेंट विल काउंट। ओके, तो ये ट्रीटमेंट जब हम करते हैं रेड एंड फार रेड लाइट ट्रीटमेंट, तो कौन सा ट्रीटमेंट को हम काउंट करते हैं, ओके लास्ट ट्रीटमेंट को हम काउंट करते हैं। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17, प्लांट मूवमेंट इनिशिएटेड बाय एक्सटर्नल स्टिम्यूली इज नोन एज सिस्मोनास्टी, पैराटोनिक मूवमेंट या फिर निक्टिनास्टी या फिर फोटोनास्टी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 17 का, ऑप्शन बी पैराटोनिक मूवमेंट। ओके, इट इज द मूवमेंट विच इज इनिशिएटेड बाय एक्सटर्नल स्टिम्यूली, क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 18, लीव्स ऑफ मेनी ग्रासेस आर कैपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, व्हाई, बिकॉज दे हैव पैरेलल वैस्कुलर बंडल्स या फिर दे आर वेरी थिन या फिर दे आर वेरी दे आर आइसोबाइलेटरल या फिर दे हैव स्पेशलाइज्ड बुलिफॉर्म सेल्स। ओके, तो आपको पता है ग्रासेस उनका जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग होता है दैट इज ड्यू टू स्पेशलाइज्ड सेल विच इज नोन एज वॉट योर बुलिफॉर्म सेल। ओके, सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 19, रनर एंड राइजोम्स एग्जिबिट प्लेजियोट्रॉपिज्म, डायजियोट्रॉपिज्म, एपोजियोट्रॉपिज्म या फिर पॉजिटिव ऑर्थोजियोट्रॉपिज्म। ओके, तो मैं यहाँ पे आंसर तो आपको बोल दूंगी, लेकिन आपका ये काम है कि जो बाकी तीन रहेंगे उनका डेफिनेशन आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। ओके,
सो 19 का आंसर हमारा हो जाएगा डायजियोट्रॉपिज्म. ओके, रनर एंड राइजोम्स दे एग्जिबिट डायजियोट्रॉपिज्म. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 20. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ म्यूटेशन, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट या फिर ऑटोनोमिक मूवमेंट. क्या हो जाएगा? नेस्टिक मूवमेंट. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो आपका काम है बताना कि व्हाट इज म्यूटेशन. ओके, क्लियर. ट्रॉपिक मूवमेंट, ऑटोनोमिक मूवमेंट नहीं पूछूंगी क्योंकि आपको पता होगा, लेकिन मुझे बताओ व्हाट इज म्यूटेशन. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 21. एंडोजेनस रिदमिक चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म विथ पीरियडिसिटी ऑफ 24 आवर्स इज नोन एज डायर्नल रिदम, सर्काडियन रिदम, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दिस. ओके, क्या हो जाएगा आंसर? सर्काडियन रिदम. ओके, नेक्स्ट 22. एन एपरेटस कॉमनली यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द फोटोट्रॉपिज्म इज. कौन सा एपरेटस हम यूज करते हैं फोटोट्रॉपिज्म को दिखाने के लिए? आर्क एक्सोनोमीटर, हेलियोट्रॉपिक चैम्बर, पोटोमीटर या फिर क्लाइनोस्टैट. क्या यूज करते हैं? हेलियोट्रॉपिक चैम्बर. ओके, 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. क्लियर, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 23. टर्शियरी रूट्स आर प्लेजियोट्रॉपिक, अजियोट्रॉपिक, हेलियोट्रॉपिक या फिर फोटोट्रॉपिक. ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी, दैट इज अजियोट्रॉपिक. क्लियर, समझ में आया. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 24. A plant kept outside a window bends outside because of apical dominance, photosynthesis, osmotic pressure या फिर more elongation of cells on the shaded portion. Okay, तो क्या हो जाएगा इसका answer? More elongation of cells on the shaded portion. Okay, so why? क्यों होगा? ये आपको बताना है. Clear? Next come to question number 25. क्लोरोसिस इन प्लांट्स अकर ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ येलो पिगमेंट फ्रॉम सॉयल या फिर डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड फेरम इन द सॉयल. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड फेरम इन द सॉयल. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 26. डाई बैक ऑफ सिट्रस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर या मैंगनीज. क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, दैट इज कॉपर. क्लियर, तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें मुझे एक आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्लोरोसिस इन प्लांट अकर ड्यू टू, यहाँ पे तो एक रीजन हो गया कि डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड फेरम इन द सॉइल, तो आपको ये बताना है कि बाकी का रीजन क्या होगा. ओके, क्लोरोसिस का जो बाकी का रीजन है, क्यों होता है क्लोरोसिस, व्हाट आर द अदर रीजंस फॉर क्लोरोसिस, ये आपको मुझे बताना है. ओके, तो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 27. ओके, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस इंटरविनल क्लोरोसिस फर्स्ट ऑफ यंग लीव्स, देन बी में है बेंडिंग ऑफ लीफ टिप, सी में है रिड्यूस्ड लीव्स एंड स्टंटेड ग्रोथ या फिर डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंटरविनल क्लोरोसिस फर्स्ट ऑफ यंग लीव्स. ओके, क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following is a group of essential elements? Okay, zinc, cobalt, या फिर boron, या फिर molybdenum. Okay, फिर हमारा potassium, magnesium, sodium, या फिर chlorine, या फिर आपका है nitrogen, sulfur, phosphorus, या silicon, या फिर carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus. ओके, आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, इनमें से. ओके, तो देर आर टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट्स, राइट. तो मैं तो 4 बता दी, है कि नहीं, तो आपको बाकी के 13 बताना है. ओके, क्लियर. सो दैट इज माय क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैव बैलेंसिंग फंक्शन इन प्लांट्स. ओके, तो किसका बैलेंसिंग फंक्शन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 30. द ड्रॉट रॉट ऑफ एप्पल इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. ओके, क्या हो जाएगा आंसर इसका? जिंक, बोरॉन, मॉलिब्डेनम या फिर कॉपर. इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन. ओके, याद रखना. क्लियर, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 31.
A fall in the ascorbic acid contents in the plant is a result of the deficiency of, okay, किसके deficiency की वजह से plant में ascorbic acid की content कम हो जाता है, okay, copper, boron, molybdenum या फिर zinc, क्या हो जाएगा answer, option C, that is molybdenum, okay. Next come to question number 32, ringing experiment was first performed by Godelsky, Hartig, Strasburger या फिर Jesse Bose, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, हमारा ऑप्शन बी, दैट इज हार्टिग, क्लियर. नेक्स्ट 33, रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर, पोटोमीटर, ऑस्मोमीटर या फिर स्पिग्मो मैनोमीटर, ओके, तो क्या हो जाएगा 33 का आंसर, ऑप्शन ए, दैट इज मैनोमीटर, ओके. नेक्स्ट, रूट हेयर्स अकर इन द जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, सेल डिविजन, सेल मैचुरेशन या फिर नन ऑफ दिस, आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, दैट इज सेल मैच्योरेशन, ओके. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 35, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर असेंडम ऑफ सैप इन प्लांट्स वॉज गिवन बाय, ओके, तो किसने दिया था मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, अभी मैं नहीं बोलूंगी व्हाट इज द थ्योरी क्योंकि बाद में एक क्वेश्चन है, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डिक्सन एंड जॉली, ओके, क्लियर. सो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, water will be absorbed by the root hairs when the external solution is, okay, external solution क्या होगा जब water हमारा absorb होगा by the root hairs, grafting, hypotonic, isotonic या फिर viscous, क्या हो जाएगा answer, option B, that is hypotonic, okay. Next question number 37, organic substances such as sugars are translocated in the phloem, yes, this can be demonstrated by grafting, रूट प्रेशर, रिंगिंग द स्टेम या फिर डिफोलिएशन, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रिंगिंग द स्टेम, ओके. तो व्हाट इज दिस रिंगिंग द स्टेम, ओके, ये आपका काम है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ओके. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन वॉज गिवन बाय, किसने इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक थ्योरी दिया था जो एक्सप्लेन करता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, ओके. सो फेंसन एंड स्मैनर, मंच, मैनसन एंड फिलिप्स या फिर डी ब्राइस, क्या हो जाएगा 38 का आंसर, ऑप्शन ए, दैट इज फेंसन एंड स्पैनर, ओके. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, पोरोमीटर, पोटोमीटर, स्पायरोमीटर या फिर टेंसियोमीटर, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पोटोमीटर, ओके. नेक्स्ट 40, गट सेल्स डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स इन हैबिंग, ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या एक कंपोनेंट है जो कि एक में होता है दूसरे में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स या फिर सेल वॉल, क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ओके. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 41, एक्टिव के प्लस एक्सचेंज मैकेनिज्म्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा वॉज गिवन बाय, किसने दिया था ये मैकेनिज्म, खोराना, स्कार्थ, लेविट या फिर डार्विन, लेविट, ओके, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 42, द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय हर्बेसियस प्लांट्स इज लॉस्ट इन ट्रांसपिरेशन, तो कितना परसेंटेज प्लांट जो एब्जॉर्ब होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 99%, ओके. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 43, गटेशन यूजुअली अकर्स व्हेन द प्लांट इज पुट इन डेजर्ट्स, इन मोर ह्यूमिड कंडीशन, इन मोर सैचुरेटेड कंडीशंस या फिर इन ड्राई कंडीशंस, आपका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन बी, दैट इज इन मोर ह्यूमिड कंडीशंस, ओके, क्यों ये बताना आपका काम है. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 44, द स्टोमाटल अपर्चर इज मेजर्ड बाय लक्स मीटर, फोटोमीटर, पोरोमीटर या फिर पोटोमीटर, ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पोरोमीटर, ओके, फोटोमीटर, पोटोमीटर, पोरोमीटर, ये तीनों अलग अलग हैं, ओके, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो और आंसर करो, ओके. अगर कोई भी क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में आपको डाउट है देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 45, द स्टोमाटा आर वाइडली ओपन इन रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट या फिर ब्लू लाइट, आंसर हो जाएगा ब्लू लाइट, क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन द स्टोमाटा ओपन्स ड्यूरिंग नाइट टाइम ओनली दे आर कॉल्ड
फोटोएक्टिव स्टोमाटा, स्कोटोएक्टिव स्टोमाटा, निक्टिनोनास्टिक स्टोमाटा या फिर ऑल ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज स्कोटोएक्टिव स्टोमाटा। क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 47। इन कन्वर्जन ऑफ पाइरुविक एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम ए द एनएडी प्लस इज आइसोमराइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड या फिर नन ऑफ दिस। आपका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी, दैट इज रिड्यूस्ड। ओके, इन दिस प्रोसेस योर एनएडी प्लस इज रिड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज गिव्स राइज टू, ओके कितना देता है रे, 686 किलो कैलोरी। ओके, ये पता होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 49। F0F1 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर क्लोरोप्लास्ट। ऑब्वियस है आंसर आपका 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 50। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन फाइनली एक्सेप्ट करता है हमारा इलेक्ट्रॉन इन माइटोकॉन्ड्रिया। 50 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 51। द एक्सेस अमाइनो एसिड एंड फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द लीवर, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर। व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस एंड व्हाट इज ग्लूकोजेनेसिस, ये क्या है बताना आपका काम है। ओके, अगर नहीं आ रहा है फिर भी पूछो। क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 52। इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स द नेट एटीपी यील्ड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ओके, एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ओके इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में कितना एटीपी मिलता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, कितना एटीपी मिलता है हमारा। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 36 एटीपी। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 53। मोल्स एक्सपेरिमेंट डेमॉन्स्ट्रेट्स दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस या फिर क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या नेसेसरी है, कार्बन डाइऑक्साइड एज पर मोल्स एक्सपेरिमेंट। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 54। ट्रॉपिकल प्लांट्स लाइक शुगर केन शो हाई एफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय ईएमपी पाथवे, टीसीए साइकिल, हैच स्लैक साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दैट इज हैच एंड स्लैक साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। मिनरल एक्टिवेटर नीडेड फॉर एंजाइम एकोनिटेज ऑफ टीसीए साइकिल इज, कौन सी मिनरल एक्टिवेटर हमें चाहिए, क्या होगा 55 का आंसर, ऑप्शन बी फेरम। ओके, आयरन इज नीडेड। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 56। द प्रिज्यूम्ड साइज ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज, ओके पता है हमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक पोरफायरिन हेड होता है और एक फाइटल टेल होता है। हेड कितना होता है 15x15 एंगस्ट्रॉम, टेल होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 57। हु कॉइंड द टर्म हार्मोन, ओके किसने कॉइन किया था हमारा, स्टार्लिंग। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 58। डीपीडी ऑफ अ सेल विथ ओपी इज इक्वल टू 8, टीपी इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा, डीपीडी का फॉर्मूला क्या है, ओपी माइनस टीपी, तो 8 - 5 विल बी व्हाट, 3। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 59। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन वॉज प्रूव्ड बाय फ्लैश लाइट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय, कि लाइट एंड डार्क रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, तो ये एक फ्लैश लाइट एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो वो एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया था, वारबर्ग, रॉबिन हिल, एमर्सन एंड आर्नोल्ड या फिर जे सैक्स, क्या होगा, ऑप्शन सी दैट इज एमर्सन एंड आर्नोल्ड। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था फोटो रेस्पिरेशन, बी करंटियो। ओके, तो देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 61। एन हाइपोथेटिकल कंपाउंड कॉल्ड फ्लावरिंग हार्मोन इज व्हाट, फाइटोक्रोम, फ्लोरिजन, ऑक्सिन या फिर साइटोकाइनिन, फ्लोरिजन राइट। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 62। द टर्म वर्नलाइजेशन वॉज कॉइंड बाय, किसने दिया था टर्म वर्नलाइजेशन, गार्नर, लाइसेंको, लेथम या फिर मेकर्स, क्या होगा 62 का आंसर, ऑप्शन बी लाइसेंको। क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 63।
Bursting of seed capsules is an example of hydrocasy, xerocasy, autonomic movement या फिर न्यूटेशन. इसका आंसर हो जाएगा क्या? xerocasy. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 64. टोटल नंबर ऑफ एटीपी इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ वन हेक्सो शुगर. ओके, एक हेक्सो शुगर के लिए. क्लियर? तो क्या होगा? दो के लिए होता है 36. ओके, तो एक के लिए कितना होगा? 18. है कि नहीं? ऑप्शन सी. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 65. नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमें पाना है. ओके, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो कितने फोटॉन्स हमें चाहिए? कितने? 8. ओके, अगर नहीं पता है तो रिमेंबर दिस. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 66. इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन 180 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 192 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है. ओके, 180 ग्राम ऑफ शुगर मतलब क्या? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज. है कि नहीं? तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है? तो हमें पता है क्या क्या प्रोड्यूस होगा. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. राइट? तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑफ 44 ग्राम्स. राइट? तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 6 × 44 कर देंगे तो 264 ग्राम्स हो जाएगा, जो कि ये वाला ऑप्शन है. है कि नहीं? ऑप्शन बी. क्लियर? फिर भी चेक कर लेते हैं. वाटर, एक मोल होगा हमारा कितना? 18. राइट? तो 6 का कितना होगा? 18 × 6 करेंगे तो 108 होगा. क्लियर? और एनर्जी यहाँ पे 674 कैलोरी दे दिया है. 686 कैलोरी शुड बी गिवन. ओके, क्लियर? 686 ये होता है. क्लियर? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 67. Q10 इज अ नोटेशन फॉर. पता है क्या है ये? हमारा रेस्पिरेटोरी कोशेंट. ओके, 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 68. अ प्लांट इज केप्ट इन 320 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. व्हाट विल हैपन टू इट? क्या होगा? इट विल शो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस. ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल शो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 69. ड्यूरिंग डे टाइम द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज दैट ऑफ कंज्यूम्ड. जो रेशियो है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रहा है, अगर वो हम करेंगे तो 10:1 होगा. अगर पूछता तो कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1:10 होता. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 70. द एपिस्टोमेटिक लीफ इज फाउंड इन. एपिस्टोमेटिक लीफ है क्या? क्या है? जिसका स्टोमाटा लीफ का अपर सरफेस में होता है, जो कि जनरली एक्वाटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं. है कि नहीं? तो इनमें से जो सब ऑप्शंस हैं, लिलम्बो, नुसिफेरा, निम्फिया, विक्टोरिया रेजिया, ऑल ऑफ दीज आर एक्वाटिक. है कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 71. द मैक्सिमम ग्रोथ फेज इज. वेरी इजी क्वेश्चन. लॉग फेज, मैक्सिमम, और हम जो बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज. है कि नहीं? लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होता है. क्लियर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में. द रेट ऑफ ग्रोथ इज मेजर्ड बाय फोटोमेट्रिक. फोटोमेट्रिक क्या होगा? फोटोमीटर अगर होता तो एक बात होती. फोटोमीटर, ऑक्सोनोमीटर या फिर नन ऑफ दिस. ओके, किससे हम मेजर करते हैं? ऑक्सोनोमीटर. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 73. साइटोक्रोम वॉज डिस्कवर्ड बाय. किसने डिस्कवर किया था? मैकमन. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 74. सॉइल इज सेड टू बी फिजियोलॉजिकली ड्राई. कब हम बोलेंगे कि सॉइल हम जो है वो फिजियोलॉजिकली ड्राई है? कब? जब सॉइल सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड होगा. जनरली जब वाटर लॉग्ड सॉइल होता है तो क्या होता है? कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो तब भी हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकली वो ड्राई है. ओके, देखेंगे तो ड्राई नहीं दिखाई देगा, बट फिजियोलॉजिकली इट इज़ ड्राई. क्लियर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 75. सुइटेबल टेम्परेचर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट इज. क्या है सुइटेबल टेम्परेचर? 20°C to 35°C. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 76. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट ट्रांसपायर. एल्गी, फंगाई,
या फिर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स या फिर ऑल ऑफ दिस, क्या हो जाएगा? फंगाई. व्हाई फंगाई? दे आर नॉट प्लांट्स, है कि नहीं? दीज आर अक्लोरोफाइलस हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो दे डू नॉट परफॉर्म ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 77. ओके, परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सॉइल व्हेन अ प्लांट्स बिगिंस टू विल्ट इज कॉल्ड. जब विल्टिंग होता है तो जितना परसेंटेज वाटर सॉइल में रह जाता है, ओके, तो क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं हम? विल्टिंग कोफिशियंट. ओके, 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 78. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस एंड कॉजेस स्टोमाटल क्लोजर? ओके, साइटोकाइनिन, एबीए, ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन. एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड, है कि नहीं? तो 78 क्या होगा? एबीए. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 79. स्टोमाटा इन द एंजियोस्पर्म्स जनरली डू नॉट ओपन नून, एट मिडनाइट, 10 o'clock या फिर ट्वाइलाइट. क्या हो जाएगा? ट्वाइलाइट. ओके, जो मॉर्निंग से पहले सनसेट के बाद, ओके, जो वक्त होता है ट्वाइलाइट. ओके, तो मिडनाइट से अच्छा आंसर होगा आपका ट्वाइलाइट. ओके, ट्वाइलाइट पीरियड है जिसमें एंजियोस्पर्म की स्टोमाटा जो है वो ओपन नहीं होती. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 80. वाटर पोटेंशियल इन प्लांट्स इज जनरली व्हाट? नेगेटिव. ओके, आपका काम है कि बताना व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. रूट प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन? कब होता है? व्हेन ट्रांसपिरेशन इज हाई, नहीं, व्हेन ट्रांसपिरेशन इज वेरी लो एंड एब्जॉर्प्शन इज हाई. ओके, 81 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसपिरेशन इज वेरी लो, एब्जॉर्प्शन इज हाई. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 82. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर द असेंट ऑफ सैप? ओके, कौन सा है सबसे एक्सेप्टेड आपका एक्सप्लेनेशन फॉर द असेंट ऑफ सैप? एटमोसफेयर प्रेशर, कैपिलरी, कैपिलरिटी, पल्सेशन ऑफ योर लिविंग सेल्स या फिर ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी? क्या होगा? ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी. ओके, गिवन बाय होम, बताना, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 83. जेसी बोस प्रपोज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ असेंट ऑफ सैप? क्या होगा? कैपिलरी फोर्स थ्योरी, एस्पिरेशन पुल थ्योरी या फिर रिले पंप थ्योरी या फिर पल्सेटोरी थ्योरी? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन डी. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में. लॉस ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर फ्रॉम द मार्जिन्स और टिप्स ऑफ लीव्स व्हेन रूट प्रेशर इज हाई एंड ट्रांसपिरेशन इज लो कॉल्ड? क्या होगा रे? गटेशन, है कि नहीं? एंड गटेशन टेक्स प्लेस बाय हाइडाथोट्स. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 85. गटेशन अकर्स थ्रू स्पेशल पोर्स ऑन द लीव्स कॉल्ड हाइडाथोट्स. अभी मैं बोली, है कि नहीं? पैरेन्काइमाटस सेल्स सराउंडिंग द हाइडाथोट्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उन्हें? एपिथेम. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 86. लेंटिसेल्स आर स्मॉल पोर्स ऑफन फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ कॉर्की स्टेम्स और ब्रांचेस ऑफ वुडी प्लांट्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेंटिसेल्स? ओके, क्या गलत है? लेंटिसेल्स डू नॉट हैव डेफिनेट साइज और शेप. येस, दे हैव डेफिनेट साइज और शेप. ओके, तो ये तो पहले से ही गलत हो गया, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, फिर भी देख लेते हैं. लेंटिसेल्स आर यूजुअली फिल्ड अप विद डेड सेलुलर मटेरियल्स. येस, अ फुल्ली डेवलप्ड लेंटिसेल इज अ बाइकॉन्वेक्स मास ऑफ स्पेशल टिश्यू. येस, लेंस लाइक, है कि नहीं? देन लॉस ऑफ वाटर थ्रू दिस अपर्चर इज कॉल्ड व्हाट? क्या दिया है? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. येस, दैट्स ट्रू. ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्लियर? दिस इज द इनकरेक्ट अबाउट लेंटिसेल्स. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 87. सीड्स इंक्रीज देयर वॉल्यूम बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू अ फेनोमेनन कॉल्ड डिफ्यूजन, प्लाज्मोलाइसिस, एक्टिव एब्जॉर्प्शन या फिर इम्बिबेशन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, इम्बिबेशन. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 88. संकेन स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन, किसमें दिखाई देते हैं संकेन स्टोमाटा? हमारे जेरोफाइट्स में. ओके, जनरली सकलेंट जेरोफाइट्स में दिखाई देते हैं संकेन स्टोमाटा. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 89. स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग डे बिकॉज द गार्ड सेल्स
हाव थिन वॉल्स आर बीन शेप्ड हैव टू हेल्प इन गैस एक्सचेंज या फिर प्रोड्यूस ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल. क्या हो जाएगा? बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स. ओके, तो आपका काम है ये बताना कि व्हाट आर दोज ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द गार्ड सेल्स. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 90 का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स? ऑक्सानोमीटर, टेंसियोमीटर, पोरोमीटर या फिर पोटोमीटर? पोटोमीटर है कि नहीं? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा? एक्टिव, पैसिव, बोथ ऑफ दिस या फिर नॉन ऑफ दिस? क्या होगा? पैसिव, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है कि नहीं, जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज अ पैसिव प्रोसेस. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 92. द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेनली डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? मूवमेंट ऑफ विंड, टेम्परेचर एंड ब्राइट लाइट, सॉइल वाटर या फिर ह्यूमिडिटी. ओके, तो देखो, विंड के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट एंड टेम्परेचर ऊपर भी डिपेंड करता है, वाटर एंड ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. ओके, तो यहाँ पे आपका पूछा है कि मेनली डिपेंड्स अपॉन. ओके, तो बेटर होगा कि अगर आप लिखो कि मूवमेंट ऑफ विंड. अगर ऑल ऑफ दिस होता तो ऑल ऑफ दिस हम लिख सकते थे, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ विंड बिकॉज इट इज़ अवेलेबल ऑलवेज, है कि नहीं? तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अफेक्ट हो सकता है, राइट? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 93. ऑन अ हॉट समर प्लांट कूलिंग इज ड्यू टू, क्यों होता है कूलिंग हॉट समर डे प्लांट में? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एंटायर प्लांट या फिर लॉस ऑफ लिक्विड वाटर या फिर लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट. ओके, 93 का आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स. प्रोसेस क्या है? ट्रांसपिरेशन, है कि नहीं? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 94. द डिरेक्शन एंड रेट ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम सेल टू सेल इज बेस्ड ऑन इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, टर्गर प्रेशर या फिर वॉल प्रेशर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 95. इन लैंड प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द ओपन स्टोमाटा. इन सबमर्ज इट टेक प्लेस थ्रू व्हाट? जनरल सरफेस ऑफ द सेल्स बाय डिफ्यूजन प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. द सन्स एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट्स. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस बिगिन व्हेन लाइट इज कैप्चर्ड. यस, दैट्स ट्रू. 96 में क्या होगा? तीनों के तीनों सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव. क्लियर? नेक्स्ट कम टू 97. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वाटर गेट रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ गेट रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बोथ गेट ऑक्सीडाइज्ड या फिर कार्बन इज रिड्यूस्ड. एक्चुअली क्या होता है, हमारे वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड मतलब इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड मतलब इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, राइट? तो यहाँ पे तो नहीं दिया है ऑप्शन, सिर्फ कार्बन इज रिड्यूस्ड दिया हुआ है, तो ये हम कर सकते हैं. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है कि नहीं? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 98. द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ लाइट एज वेल एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 99. ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है? वाटर से आता है कि नहीं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. कम टू क्वेश्चन नंबर 100, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. ओके, पार्ट वन. व्हिच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट क्लोरोप्लास्ट? क्या सही नहीं है? ओके, तो क्या सही नहीं है? देखो, दे आर टाइनी सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीज, ये तो सही नहीं हो गया है कि नहीं? वो डबल मेम्ब्रेनस है, राइट? तो ये गलत हो गया. जेली लाइक मैट्रिक्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, सही है. स्टैक ऑफ डिस्क कॉल्ड थाइलाकॉइड्स आर एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा, ये भी सही है. फिर ईच स्टैक कॉल्ड द ग्रैनम, ये भी सही है. ओके, तो डबल मेम्ब्रेनस ये है, यहाँ पे सिंगल है, तो ये गलत होगा. ओके, ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट ऑप्शन.
क्लियर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका 100 क्वेश्चंस विच इंक्लूड योर क्वेश्चंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन योर प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्प्शन, है कि नहीं, वाटर मूवमेंट जनरली, है कि नहीं। नेक्स्ट आपका कंप्लीट हुआ आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एज वेल एज योर मिनरल न्यूट्रिशन पार्ट। क्लियर, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए आपको पता चल जाए, है कि नहीं, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। क्लियर, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।